Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello everyone. How can I help you? Ke ek aur show ke saath aapke saath maujood hoon. Aapko welcome kehta hoon. Kuch time ke gap ke baad main dobara videos karna shuru kar raha hoon. Aur mujhe bahut khushi hai ke jin logon ko introduce kiya how can I help you ke platform se un logon ne bahut achhi videos karni shuru kar di hain. Ek hamara concept tha jisme humne how can I help you for वो भी बहुत अच्छा जा रहा है और लोगों के different messages आते रहते हैं जिससे पता चलता रहता है कि इस platform के through उनकी help हो रही है उनको फायदा हो रहा है और basic मकसद हमारा यही था कि लोगों का फायदा हो सके इसके अंदर मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि ये concept जो रिहान लेकर आए live videos का और उसमें लोगों की help करने का उनसे पूछने का उनके कोई क्वेश्चंस हो जिनको हम आंसर कर सकें कोई ऐसे मामलात हो जिसमें उनकी हेल्प कर सकें ये बहुत सक्सेसफुल जा रहा है जब मैं वीडियोस नहीं कर पाता तो कोई और लोग वीडियोस कर लेते हैं कुछ लोगों को मैंने इंट्रोड्यूस किया होता है कुछ लोगों को किसी और ने इंट्रोड्यूस किया होता है और ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन ये शोज कर रहा है कौन इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है फर्क इस चीज से पड़ता है कि फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि लोगों का इससे बहुत फायदा हो रहा है अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई दैट्स गुड आई थिंक ये रेहान भाई नहीं है रेहान भाई की जगह कोई और है हाँ राबेल सो अब आप अगर इस आईडी से होगे तो फिर मैं आपको कैसे लाइव लूंगा आपको अपनी आईडी से आना है ना आप अपनी आईडी से आए ताकि मैं आपको लाइव लूं यहाँ पे अपनी आईडी से आप मैसेज करें यहाँ पे अगर आप अपनी आईडी से मैसेज करेंगे तो फिर मैं आपको लाइव ले सकता हूँ अगर आप इस पेज की आईडी से मैसेज करेंगे तो मैं आपको लाइव नहीं ले सकता क्योंकि इस पेज की आईडी से मैं ऑलरेडी लाइव हूँ वालेकुम अस्सलाम काशिफ कैसे हैं आप आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं अदालत खान हमें देख रहे हैं अदालत खान भी अपने शोज करते हैं वो मैं भी बड़े शौक से देखता हूँ और बहुत अच्छे शोज होते हैं बहुत अच्छे टॉपिक्स होते हैं समी चमन अल्लाह समी चमन वाला समी कैसे हैं आप खैरियत से हैं बहुत खुशी हो रही है आप ये शो देख रहे हैं ये जान के हाय मैं बिल्कुल ठीक हूँ समी आप कैसे हैं बिल्कुल ठीक ठाक मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक है अच्छा जी अब हम देखते हैं किसको हम लाइव ले सकते हैं अपने साथ लाइव लेते हैं जो लोग लाइव आना चाह रहे हैं फिर उनके साथ वीडियो शुरू करें वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद सलीम कैसे हैं आप जो लोग लाइव आना चाह रहे हैं वो अपनी आईडी से मैसेज करें यहाँ पे तो मैं उनको लाइव ले सकता हूँ ठीक है श्योर टेक योर टाइम अच्छा एक प्रोग्राम मैं शुरू करने वाला हूँ इन फ्यूचर जिसमें के मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा और उन वीडियोस में कुछ ऐसी चीजें जिनसे लाइफ में मुझे फायदा या नुकसान हुआ मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा हाँ बिल्कुल आप दिखाइए क्या खा रहे हैं आप समी मैं बिल्कुल देखना चाहूंगा आप क्या फूड खा रहे हैं अगर आप दिखाना चाहते हैं तो उन वीडियोज का मकसद ये होगा कि ऐसी चीजें जो मैंने की उनसे मुझे फायदा हुआ अगर मैं वो बता सकूं अच्छा राबेल आपको सिर्फ करना ये होगा कि आप अपनी आईडी से जब आपने लॉगिन किया है तो आप सिर्फ उसके थ्रू एक मैसेज ड्रॉप करें एंड दैट्स आल्सो अ लिटिल कंफ्यूजिंग दो लोग एक ही पेज पे एडिटर्स हैं वो कैसे ज्वाइन करें ये थोड़ा स्ट्रेंज है शाहीन खान मैं बिल्कुल ठीक हूँ वालेकुम अस्सलाम असद
हाँ ये हो सकता है मेरे को कि मैं आपको एज ए गेस्ट लूँ, लेकिन मैं अपनी आईडी से आऊँ उसके लिए लाइव, तो फिर आप इस आईडी से आओ, स्टार्ट करो। एक काम ये करते हैं कि आप को इस आईडी से हम लाइव आने देते हैं और फिर मैं उसमें आपको ज्वाइन कर लेता हूँ एज ए गेस्ट। हम ये कर सकते हैं। हाउ अबाउट दैट? जब आपने फर्स्ट ये वॉच करना शुरू किया था तो मुझे आप की ही आईडी उसमें शो हुई थी, पर उसके बाद से नहीं शो हो रही है। दैट्स सरप्राइजिंग। चले, मेरी भी लर्निंग हो रही है साथ साथ। नहीं, फिर ये प्रॉब्लम, हाँ फिर भी यही प्रॉब्लम होगा बिकॉज मैं भी तो इसमें एडिटर हूँ। दैट्स राइट। चलें, वी विल वर्क आउट समथिंग। आप एक बार ऐसे करें कि आप लॉग इन लॉग आउट करें इसी आईडी से और दोबारा आप लॉग इन करें अपनी फेसबुक आईडी से और इस पे आके एक मैसेज ड्रॉप करके देखें। या आप एक काम ये करें, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, आप एक काम ये करें, आप अपनी आईडी से लॉग इन कीजिए और लॉग इन करके सिर्फ ये वीडियो पुल करें जो मेरी वीडियो है, आप उस पर कोई मैसेज मत ड्रॉप करें, ठीक है? मैं आपको डायरेक्ट इनवाइट करता हूँ उसमें। आप लॉग ऑफ करके लॉग इन करें दोबारा। काशिफ नजब मलिक भाई, टॉपिक जो है वो दूसरों की हेल्प है। हम वीडियोस करते हैं लाइव और उन वीडियोस में हर बार कोई टॉपिक नहीं पिक करते, उसमें मकसद होता है कि लोगों की हेल्प कर सकें। सो उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं लाइव, कुछ लोग सवाल करना चाहें। इसमें डिफरेंट होस्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है और उनकी एक्सपर्टीज बताई जाती है कि वो क्या कर चुके हैं लाइफ में, और उससे अगर कोई शख्स फायदा हासिल करना चाहे तो वो इसी लाइव सेशन में उनसे कोई सवाल जवाब कर सकता है। अगर वो इस शो के बाद उनसे कनेक्ट करना चाहे तो वो उनको मैसेज करता है और उसके बाद उन दोनों का एक कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है, मेंटोरशिप शुरू हो जाती है और वो उसको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। सो ये बेसिक एक पर्पस है। आप इसमें प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें भी आपकी रहनुमाई हो जाएगी कि हम किस तरह से ये काम करते हैं। इसमें कोई अगर हमारे साथ लाइव आना चाहे तो हम लाइव लेते हैं। समी चमन अल्लाह वाला, समी चमन वाला ने हमें ज्वाइन किया है। समी कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सलाम, वालेकुम, वेरी खैरियत नाइस टू चौसी, सी यू। क्या क्या हाल वाले, खैरियत से हो? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, घर पे बच्ची सब खैर खैरियत से। क्या खाना खा रहे हैं आप, दिखाओ। दिखाएं दिखाएं। ओ इतनी सारी सैलेड, जबरदस्त भाई, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये क्या, ये ग्रीन ग्रीन क्या, ये रायता है क्या? ये जो हम घर में खुद बना लेते हैं, ये जो जिसको हम चटनी कहते हैं ना, अच्छा ये अचार है, हम बना लेते हैं मिर्च से, घर में बना लेते हैं इसको। वाह। ये जो है सलाद है, और ये जो है कोफ्ता कीमा है, वाह जबरदस्त। आलू वाला, ये इसमें आलू मिक्स है, आलू हम इसे बना लेते हैं ना। ये जो है कद्दू है, अच्छा, गुड गुड। और ये जो है बैंगन है, अच्छा जबरदस्त जबरदस्त। और ये जो है आलू वाली मटर है जिसे हम पकाते। पांच छह चीजें जो है वो मिक्स बनाए हैं। मैंने कहा चलो आसिफ भाई को दिखाते हैं ना। जबरदस्त जबरदस्त, वेरी गुड। राबेल बेटा, आपने मैसेज नहीं करना है इस पे। आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको नहीं ले सकता हूँ लाइव। आप सिर्फ ज्वाइन करें, लॉग ऑफ करके लॉग इन करें और उसके बाद आप सिर्फ जो है वो मुझे चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, चाहे मैसेंजर पे मैसेज कर दें। आपने यहाँ पे आईडी से मैसेज नहीं करना है। अच्छा, ये ढेर सारे बच्चे बैठे हैं आपके साथ। हाँ, ये सारी फैमिली छोटे छोटे नन्हे मन्हे बच्चे बच्चे हैं, और एक ही दरिया जबरदस्त, पे बैठा हुआ है, देखो। अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ भाई वाह, गुड क्यूट स्माइल। उठा और ये मेरा बढ़िया भाई है ना,
वाह, सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? जन खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और खैरियत से हो भाई जान, ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नया ताजिया आपकी तरफ से? बस यार, कोई खास नई ताजी नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत सारे लोगों ने दुआ की फादर के लिए, और अब वो बेहतर हैं, इज रिकवरिंग, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। बस मेरी दुआ है आप जाते भी खुश रहिए, मेरी मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से दुआ है आपके लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दुआ में याद आपका रखना, भी मेरी मैं, रोटी मेरे साथ, अगर रोटी खाना है तो आ जाओ। नहीं, आप रोटी खाएं, आपको मैं और मजीद तंग नहीं करूंगा, आपको मैंने ऑफ हैंड ले लिया, बिल्कुल आप रोटी खाएं, फिर गपशप होगी आपसे। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, लॉर्ड। अच्छा राबेल, देखो अब मेरी बात गौर से सुने आप, आप सिर्फ लाइव आइए, और लाइव आके यहाँ इस विंडो में मैसेज मत करें, ओके? जस्ट लाइव आके मुझे व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे बता दें कि आप लाइव आ गए हैं, मैं आपको इसमें इनवाइट करने की कोशिश करता हूँ। इससे भी हम जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी हम बता देंगे कि उनकी किस तरह से हेल्प हो सकती है। ये भी एक हमारे लिए लर्निंग प्रोसेस है, और लोगों के लिए भी लर्निंग प्रोसेस होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो मैसेजेस हैं मैं उनको भी ले लूँ साथ साथ। असद यूसुफ, वालेकुम असलाम। शाहीन खान, आई एम डूइंग वेल, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आप बताएं आप कैसे हैं। टू मच ऑयल, कौन सा ऑयल भाई? खाने में टू मच ऑयल नजर आ रहा है इनको, लगता है शाहीन खान को। अहमद नवाज मलिक कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो पाकिस्तानियों को लाल किले पर धमकाता है, इसको लगाम कैसे डालनी है? भाई पॉलिटिकल शो नहीं है ये, आम लोगों के लिए एक शो है जिसमें एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, और नॉर्मल टॉपिक्स के ऊपर बात होती है इसमें, रफाए आम के। हम पॉलिटिकल इश्यूज पे इतने ज़्यादा बात नहीं करते, मैं खास तौर पे पसंद नहीं करता बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर बात करना। आपको कोई अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ अगर आपको डिस्कस करनी हो तो आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई इश्यू है जिसको आप चाहते हैं कि वो सॉल्व किया जाए, कोई मसला हो तो आप बताइए। आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और उसमें आप कंफ्यूज हैं तो आप वो बताइए, आपको उसमें रहनुमाई की जाएगी। पॉलिटिक्स को थोड़ा सा साइड पर रखें, उसके लिए इतने सारे चैनल्स हैं आपके पास, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में वैसे भी अगर 20 करोड़ लोग हैं तो सबके सभी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। हेलो सामिया, कैसी हो? ठीक ठाक सर, आप सुनाए, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, वेलकम टू द शो। अरे सर, क्या हो रहा है, आप तो गायब ही हो गए। नहीं मैं कहाँ गायब, मैं तो सामने हूँ, दिख रहा हूँ, देखो। नहीं, आपके फादर की तबीयत सही है सर? हाँ मेरे फादर की तबीयत अब ठीक हो गई है, बेहतर है, रिकवर हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नर्स, दस नर्स। मैं और अभी सर क्या चल समी रहा है? चमन वाला के साथ था लाइव, मैं उनको भी यही बता रहा था। मैं समझता था कि फेसबुक पे लोग पोस्ट कर देते हैं और थोड़ा ड्रामा भी होता है, पता नहीं क्या होता है, कोई फायदा भी होता है नहीं होता है, लोग दुआ भी करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन मेरे जब फादर की तबीयत खराब हुई, उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ, तो मैंने पोस्ट किया फेसबुक पे और बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला मुझे। और मुझे वाकई ये लगता है कि लोगों की दुआ से वो रिकवरी उनकी होनी शुरू हुई, बिकॉज बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी उनकी। अल्लाह में उनको सेहत दे। अच्छी बात आमीन। मुझे लगी कि इतने लोगों ने दुआएं करी आपके फादर के लिए। एक तो फायदा हुआ सोशल मीडिया का, चलने से बदनाम ही है सोशल मीडिया। खुद बहुत खुशगवार हैरत हुई कि यार वाकई ये दुआएं वर्क कर रही हैं लोगों की। इट्स वेरी गुड टू नो, इट्स वेरी गुड टू नो। अच्छी बात है। वैसे जो भी कोई मसला होता है ना हमारी लाइफ में, हम कहते हैं ये फोन की वजह से हुआ है, ये सोशल मीडिया की वजह से हुआ है। ब्लेम करने में हम सबसे आगे होते हैं सोशल मीडिया को, हालांकि इसके फायदे भी बहुत हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको ये एक बात बताना चाहूंगी कि एज अ स्टूडेंट, जो हमारे आसपास स्टूडेंट है, मेरी सिस्टर यूज टू स्टडी केमिस्ट्री जब वो बहुत छोटी थी, और आप यकीन माने जब मैंने उसको यूट्यूब से केमिस्ट्री पढ़ाई तो उसको बहुत फायदा हुआ। मतलब देर आर गुड यूजेज ऑफ सोशल मीडिया एज वेल।
आपके ऊपर अपने डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कैसे यूटिलाइज करती हो. तो अगर हम यूज करें सोशल मीडिया को अपनी लर्निंग पर्पसेस को के लिए, यूट्यूब को अगर हम यूज करें, तो आई थिंक इट्स अ फ्री चैनल और कोई भी यूज कर सकता है और उसे बेनिफिट कर सकते हैं. तो सारा बिल्कुल यूज सही, पे ट्रू डिपेंड करता है, नथिंग टू बी ब्लेम फॉर. और आपके अच्छे रिलेशनशिप भी बन जाते हैं, आपको एक्सपोजर मिल जाता है, आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जिनको आपको सीखने से मिलता है, तो इसलिए सही, जरूरी है दैट्स वेरी राइट। अच्छा अच्छा मुझे यूज. एक कोई कोई खातून है जो बात कर रही थी कि ये जो पेज है इससे लोगों की हेल्प नहीं हो रही, आप कहते तो हैं हाउ कैन आई हेल्प यू। तो मैंने उनको एक बड़ी सिंपल सी भी, आप तो रिलेशनशिप बनने की आप बात कर रहे हो ना, तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा आप ये देखें कि एक जो मेरा और आपका मेंटोर मेंटी का रिलेशनशिप अगर बनाए तो वो भी तो इसी पेज से बनाए, दिस इज ऑल्सो अ बेनिफिट। बेनिफिट कैसे नहीं हो, बेनिफिट तो हो रहा है। सर अब लोगों आपकी आवाज कट रही है. अगर यही समझा हुआ है कि बेनिफिट जो है वो मॉनेटरी है तो फिर वो बेनिफिट नहीं हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट सब हो रहा है। हम उसको वर्कआउट करेंगे कि कैसे आपकी आईडी पे लें। अच्छा सामिया हमारे साथ थी, ये पहले भी हमारे साथ शोज कर चुकी हैं और बहुत अच्छी नॉलेज रखती हैं। पहले एक बार इन्होंने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी एक शो किया था मेरे साथ और जो बातें इन्होंने की थी वो काफ़ी हद तक आगे सही साबित हुई, तो मैं उसके ऊपर भी इनसे बात करूंगा अभी। राबेल को, राबेल से मैं बातें करना चाहता हूँ उनके शोज़ के बारे में जो उन्होंने करने शुरू करे, और अब मैं भी रेहान अल्लाह वाला पे और वो भी हम लोग इस के मेंबर हैं, इस वजह से हम लोग नहीं एक दूसरे को ऐड कर पा रहे हैं इस पेज के थ्रू, तो हम कोई और इसका तरीका ढूंढेंगे और फिर हम लाइव आएंगे उसके थ्रू। सामिया को मैं दोबारा लाइव लेने की कोशिश करूंगा। इन द मीन टाइम कोई और हमसे सवाल करना चाहे, काशिफ नजब ने कहा है कि वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और दो बिजनेसेस करना चाहते हैं। कैन यू और सर रेहान टीम हेल्प मी? काशिफ, खुर्रम जुबैरी जो हैं उनके साथ रेहान अल्लावाला जो हैं वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और खुर्रम जुबैरी, आप अगर रेहान अल्लावाला को फॉलो कर रहे हैं तो खुर्रम जुबैरी को ट्रेस करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अभी रेहान ने कुछ दिन पहले बोला भी था कि ये वन ऑफ द बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं और ये लीड कर रहे हैं इस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप को। सो आप उनसे कनेक्ट करें, आप मुझे इंडिविजुअली मैसेज भी करेंगे तो मैं आपको उनसे कनेक्ट कर दूंगा, खुर्रम जुबैरी से, और वो इस तरह से आपको हेल्प कर सकेंगे। श्योर राबिल, मैं आपको बता दूंगा जब मैं अपनी आईडी से आता हूँ, इसको हम वर्कआउट करते हैं। एंड इट्स अ सरप्राइजिंग थिंग, मैं इसको टेस्ट आउट भी करूँगा और लोगों के साथ ताकि ये भी हम ट्रबल शूट कर सकें, दैट्स अ न्यू थिंग जो मुझे पता चली। हाँ आप फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप फिर खुर्रम जुबैरी से कनेक्ट करें, उनको मैसेज करें, उनको बताएं आपके आइडियाज़ हैं, उनके शोज होते हैं, उनके प्रोग्राम्स होते हैं डिफरेंट सिटीज़ में, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। अच्छा इस शो में एक और भी चीज़ मैं आपको बता दूं, ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ का सलूशन मेरे पास हो या जो शो का होस्ट हो उसके पास हो। इसमें एक यही होता है कि हम जो लोग रिलेटेड लोग हैं उनकी तरफ रहनुमाई कर देते हैं आपकी। अगर कोई लोग पूछते हैं किसी खास शख्स के बारे में, किसी खास फील्ड के बारे में, तो हम उस फील्ड से रिलेटेड बंदे की तरफ उसकी रहनुमाई कर देते हैं, सो दैट वो दो लोग आपस में कनेक्टेड हो जाएं और फिर वो फायदा हासिल कर सकें। और आप लोग बताइए, कोई आप लोगों के क्वेश्चंस हो? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा आप, मैं इसीलिए ये लाइव शोज कर रहा हूँ ताकि लोगों की हेल्प हो सके। आप इस वीडियो में भी और इस वीडियो के बाद भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आप लोगों की हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है सामिया, वी विल डू इट सम अदर टाइम, किसी और टाइम हम करेंगे। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ तो इट्स नॉट अलाउइंग मी टू ब्रिंग यू ऑन द कैमरा।
ऑल राइट, मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ इस मैसेज के साथ कि आप लोग कोशिश करें एक दूसरे की हेल्प करते रहें, जिस कैपेसिटी में भी आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं ज़रूर करें, आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा और उसकी वजह से आपको खुशी ज़रूर हासिल होगी. सो कीप डूइंग द गुड थिंग्स दैट यू कैन डू वाइल यू कैन डू. थैंक यू सो मच. मैं एक बार शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ उन लोगों का जिन्होंने मेरे फादर की रिकवरी के लिए दुआएं की. मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और बताना चाहता हूँ कि मेरे वालिद की तबीयत अब बहुत बेहतर है. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का. अल्लाह हाफिज़.